जो के यील्ड के साथ रिलेटेड है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो केमिकल थ्योरेटिकल यील्ड के मास को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और हाइड्रोजन का मोलर मास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से ईटा और एनएमडीकेट का लेक्चर नंबर 11 और 12, जो के यील्ड के साथ रिलेटेड है। तो ये याद रखें, हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो है वो इसको डिवाइड अगर किया जाए थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, तो यहां पर परसेंटेज यील्ड पैदा होता है। अब एक्चुअल यील्ड क्या है, जो आपके पास केमिकल 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 रिएक्शन से आ जाए, जो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन से हासिल होता है वो एक्चुअल यील्ड कहलाता है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो केमिकल इक्वेशन से हासिल हो जाए वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं, और ये याद रखे ये मिनिमम यील्ड होता है, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, ये मैक्सिमम यील्ड होता है। अब ये याद रखे, अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होता है, तो ये परसेंटेज यील्ड जो होगा वो 100% होगा, यानी इनपुट आउटपुट के बराबर हो जाए। तो इस सूरत में आपको ये कंडीशन परपेचुअल कंडीशन होगी, अगर ये किसी आदमी का इनपुट आउटपुट के बराबर होता है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड के बराबर होता है, वो बंदा आइडियल होता है। अगर मशीन का इनपुट आउटपुट के बराबर होता है, यानी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होता है, तो वो परपेचुअल मशीन या आइडियल मशीन या परफेक्ट मशीन कहलाता है। अब गुड यील्ड जो है, एक्सीलेंट यील्ड या पुअर यील्ड, उसको हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन यहां पर ईटा एमसीक्यूज के हवाले से हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। वो ये है कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, फाइंड आउट थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आप फाइंड आउट करो तो किस तरह से, सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिखना है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने लिखना है, और इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड के मास को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए उसके लिए फार्मूला है हमारे पास के मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कन्वर्जन फैक्टर इनटू मोलर मास, ये मोलर मास के बराबर होता है, और मोलर मास इस प्रोडक्ट के मास को कहते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है उसके मास को कहते हैं। अब देखिए आपके पास अगर ये 4 ग्राम है, ग्रामों में दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो यहां वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ये आपके पास मोलर मास इनटू कन्वर्जन फैक्टर इनटू मोलर मास, ये मोलर मास है प्रोडक्ट का, और ये आपके पास जो है मास थ्योरेटिकल मास प्रोड्यूस होगा। देखिए यह हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है, और हाइड्रोजन का मोलर मास वो 2 है। कन्वर्जन फैक्टर किसको कहते हैं, देखिए आपके पास रिक्वायर्ड और आपके पास गिवन। जो रिक्वायर्ड है तो वो कहते हैं कि वो पानी है, कि पानी का यहां पर k
कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी मोल कितना होगा, और जो गिवन है तो 4 ग्राम गिवन है, उसको भी आपने इस 4 ग्राम से आपने वाटर को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए आपके पास ये, अगर हम 4 ग्राम ले ले तो ये भी 4 होता है, और अगर 4 ग्राम ले ले हाइड्रोजन तो ये 2 मोल के बराबर होता है। यहां कोएफिशिएंट भी 2 है, तो 2 से 2 प्रोड्यूस होता है, तो ये गिवन है 2 मोल से ये भी 2 मोल पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन फैक्टर 2/2 है, जबकि आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मोलर मास प्रोडक्ट का होता है, वो 18 है। तो अब इसको आपने इसके साथ खत्म करना है, इससे आएगा 1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास 36 ग्राम आता है थ्योरेटिकल यील्ड। अगर आपको रिएक्टेंट में 1 गिवन हो और दूसरा रिएक्टेंट गिवन ना हो, डायरेक्ट आपसे वाटर मांगता है, तो उस सूरत में आपको, या डायरेक्ट आपसे प्रोडक्ट मांगता है, उस सूरत में आपने थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड आउट करना है, और वो आसानी से भी फाइंड आउट हो सकता है। इसको देखे बगैर आप देख ले कि ये आपके पास 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम यानी 2 मोल के बराबर है, और 2 मोल जो है आपके पास ये 2 मोल प्रोड्यूस करता है, तो 2 मोल आपके पास ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ये एक जबरदस्त किस्म का फार्मूला है, इससे आप जो है थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी तरह से आपके पास यही क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहता हूं कि इफ यू हैव 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट दिया हुआ है, ऑक्सीजन की मिकदार और कहते हैं पानी प्रोड्यूस होता है, तो फाइंड आउट थ्योरेटिकल यील्ड। तो दोबारा वही सूरत होता है कि यहां पर हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन होता है, यहां H2O होता है, तो आपके पास वो वाला फार्मूला जो कि थ्योरेटिकल का मास होता है, तो वो नंबर ऑफ मोल इनटू कन्वर्जन फैक्टर इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 18 है, कन्वर्जन फैक्टर तो देखिए 4 ग्राम से 2 मोल प्रोड्यूस होता है, 8 ग्राम से आपके पास 4 मोल प्रोड्यूस होता है, यानी 4 ग्राम से 2 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 8 ग्राम से 4 मोल प्रोड्यूस होगा, यानी ये 8 ग्राम है। वो यहां पर कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 2/2 है, देखिए यहां पर 4 से 2 तो 8 से 4, तो ये आपस में सेम रेशो है, वही रेशो है, तो 2 into 2, और यहां पर आप देखिए मोल, ये मोल जो है ये आपके पास वेट, गिवन वेट कितना है 8 है, और आपके पास मोलर मास वो हाइड्रोजन का 2 है, तो यहां से 1 आता है, यहां से 4 आता है। तो अब देखिए 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72 ग्राम आ जाता है, ये आपके पास होता है थ्योरेटिकल यील्ड। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको आपने ज़हन नशीन करना है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम H2O, फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड। ये देखिए ये परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से करना है इसको ज़हन नशीन करो, जो प्रोडक्ट आपको गिवन हो स्टेटमेंट में, अगर आपको स्टेटमेंट में प्रोडक्ट
स्टेटमेंट में प्रोडक्ट गिवन हो तो वो एक्चुअल ईल्ड होता है, वो एक्चुअल ईल्ड होता है। अब देखिए आपके पास यहां पर परसेंटेज ईल्ड फाइंड करना है, तो वो ये है कि एक्चुअल ईल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड इन 200 यहां परसेंटेज ईल्ड फाइंड होगा। देखिए किस तरह से, देखिए कार्बन है ऑक्सीजन है, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, फाइंड आउट द परसेंटेज ईल्ड। आप देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 ग्राम है, तो अगर ये 6 ग्राम है कार्बन, सॉरी 12 ग्राम है, 12 ग्राम है कार्बन का एटम, तो अगर ये 12 ग्राम है तो ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर ये 6 ग्राम है तो ये प्रोड्यूस करेगा 22 ग्राम। तो ये जो 22 ग्राम है ये आपके पास थ्योरेटिकल ईल्ड है। तो अब देखिए एक्चुअल ईल्ड वो 11 है, थ्योरेटिकल ईल्ड वो 22 है इन 200। यहां से आपके पास परसेंटेज मालूम होगा, इसको आपने काटना है इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहां पर आएगा 50%। तो ये आपके पास क्या हो गए एमसीक्यूज। अब दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल गिवन हो, तो दोनों रिएक्टेंट के अगर नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो उस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, तो ये याद रखिए उस क्वेश्चन को हम यूं यहां पर एक्सप्लेन करते हैं, यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट दोनों के मोल गिवन हो तो परसेंटेज ईल्ड किस तरह से फाइंड आउट करना है, वो लिमिटिंग रिएजेंट से मालूम होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास होगा एक्चुअल ईल्ड, और थ्योरेटिकल ईल्ड को आपने इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके पास है कि 4 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 मोल ऑफ वाटर, फाइंड आउट द परसेंटेज। तो अब देखें सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद H2O है, यहां इसको बैलेंस करना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। तो गिवन मोल हाइड्रोजन के 4 है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो है 2, तो इसको काट दो इससे 2 मोल आता है। अब ऑक्सीजन के जो मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 10 है और यहां नंबर ऑफ मोल कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इससे आता है 10। इन दोनों रिएक्टेंट में जो लीस्ट मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू है वो 2 है, लिहाजा ये आपके पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, और इस लिमिटिंग रिएजेंट से एक्चुअल ईल्ड फाइंड आउट होगा। अब देखिए आपके पास क्या है कि 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर ये 4 मोल हाइड्रोजन हो तो ये 4 मोल वाटर को प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपके पास थ्योरेटिकली आ जाता है। जबकि आपको जो मोल ऑफ वाटर गिवन हो स्टेटमेंट में, अभी मैंने बता दिया स्टेटमेंट में अगर मोल ऑफ वाटर गिवन हो तो वो एक्चुअल ईल्ड है, तो एक्चुअल ईल्ड जो है वो 3 है,
एक्चुअल ईल्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ईल्ड इन 200, यहां पर आ जाता है परसेंटेज ईल्ड। तो स्टेटमेंट के अंदर प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल मालूम है, ये एक्चुअल ईल्ड है वो 3 है, और थ्योरेटिकल ईल्ड को हमने लिमिटिंग रिएजेंट से पढ़ना, इससे पहले मैंने ख्याल में मैंने कह दिया कि वो एक्चुअल ईल्ड है नहीं, थ्योरेटिकल ईल्ड जो है वो हमने मालूम करना लिमिटिंग रिएजेंट से, तो ये 4 है, तो इन 200, तो यहां पर जो है परसेंटेज ईल्ड प्रोड्यूस होगा और वो 75%, ये जो है ये ईल्ड होगा। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द ईटा एमसीक्यूज रिलेटेड टू एक्चुअल ईल्ड, थ्योरेटिकल ईल्ड एंड परसेंटेज ईल्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।